घंटे बीत जाने के बाद भी यहां लगे आग पर काबू फिलहाल नहीं पाया जा सका है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के वजह से आग बेकाबू हो गई है और ये जो आग है कई घंटे बीत जाने के बाद भी इस पर काबू फिलहाल नहीं पाया जा सका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां 5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अब भी यहां पर आग बेकाबू है। दिल्ली के एम्स में ये आग का तांडव देखने को मिल रहा है। तो आपको बताएं कि दमकल की दर्जनों गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, कोशिश आग पर काबू करने की लगातार की जा रही है लेकिन आग का तांडव फिलहाल जारी है। और जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी जो कि लगातार बेकाबू होती चली जा रही है। 5वीं जो मंजिल है वहां पर ये आग पहुंच गई है। हालांकि जो दमकल की टीम है वो लगातार कोशिश में है कि आग पर काबू पाया जा सके। 5 घंटे का समय बीत चुका है। वहां जो मरीज थे उन्हें सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की ऊंची ऊंची लपटें यहां पर नजर आ रही हैं और आग ने विकराल रूप ले लिया है। एहतियातन आपको बताएं कि जो मरीज हैं एम्स के ठीक पास में स्थित जो सफदरजंग अस्पताल है उसमें कई मरीजों को वहां पर शिफ्ट किया गया है लेकिन आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तकरीबन 5 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया हुआ है और तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो राजधानी दिल्ली के एम्स की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते यहां पर आग लगी और आग बेकाबू हो गई। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एम्स में जो मरीज इस वक्त मौजूद थे उन्हें पास के ही सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। एहतियातन भी कदम उठाए जा रहे हैं और वहां पर दर्जनों जो दमकल की गाड़ियां हैं 30 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त वहां पर दमकल की मौजूद हैं और वो आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं। जबकि अगर दिल्ली के मौसम की अगर बात करें तो यहां पर हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है। बावजूद इसके आग जो है वो उसकी लपटें ऊंची होती चली जा रही हैं। आग का तांडव लगातार बना हुआ है और कोशिशों के बावजूद जो जैसा हम आपको बता रहे थे 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया लेकिन आग अब भी बेकाबू है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयावह यह तस्वीर है, किस तरीके से आग की ऊंची ऊंची लपटें यहां पर नजर आ रही हैं और यही वजह है कि 5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाने के बावजूद इस आग पर पूरी तरह से काबू अब तक दमकल की गाड़ियों जो वहाँ पर पहुँची हैं उनको कामयाबी नहीं मिली है और 5वीं मंजिल तक ये आग पहुंच गई है। एहतियातन जो है वहाँ जो मरीज भर्ती थे उन्हें पास के ही सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह की जनहानि को रोका जा सके। तो दिल्ली के एम्स में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के एम्स में टीचिंग ब्लॉक में यह आग लगी है। आग बेकाबू हो चुकी है। 5.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया जब यह आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की मदद से एनडीआरएफ की 2 टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। जिन मरीजों को शिफ्ट किया गया है उनके लिए एम्स ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। शाम करीब 4:50 पर 2री मंजिल पर अचानक आग लग गई थी। आग अब बड़ा रूप ले चुकी है। फायर ब्रिगेड हर जगह नहीं पहुंच पा रही है जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में परेशानियां हो रही हैं। इमरजेंसी और टीचिंग ब्लॉक के बीच में आग को रोकना सबसे बड़ी मुश्किल बात है और केबल तारों के जरिए आग लगातार बढ़ती जा रही है। अब यह आग 5वीं मंजिल तक पहुंच गई है। बिल्डिंग में मौजूद माइक्रोबायोलॉजी की लैब है जहां से आग की शुरुआत हुई। यहां कई मशीनें और केमिकल्स भी हैं जिसकी वजह से आग आसानी से बुझ नहीं पा रही और ऊपर की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड की 34 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ट्विचिंग ब्लॉक इमरजेंसी वार्ड के बेहद करीब है इसलिए इमरजेंसी वार्ड को बंद कर दिया गया है, यानी किसी भी नए मरीज को यहां भर्ती नहीं किया जा रहा। इसलिए नए मरीज एम्स की इमरजेंसी के बजाय सफदरजंग की इमरजेंसी में जाएं। फिलहाल किसी के घायल होने की अब तक कोई सूचना या किसी तरह की किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है।